बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने चैनल रानो रेसिपी में आप लोगों को खुश आमदीद करती हूँ और अल्लाह के फजल करम के साथ मैं आज एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है रेसिपी का आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है सुरख मिर्च 1 से 1.5 चम्मच खाने का, ये हमारे पास 1/2 चम्मच खाने का हल्दी, ये हमारे पास नमक का 1 चम्मच खाने का, ये हमारे पास है अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट है हमारे पास तकरीबन 1 टमाटर लिया, ये हमारे पास मिक्स मसाला है, ये हमारे पास आलू, ये बारीक कटा हुआ धनिया, ये लहसुन और प्याज, ये हमारे पास गोश्त पड़ा हुआ है। इसको हम प्रेशर में 5-10 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। इसमें लहसुन और प्याज सबसे पहले शामिल करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये तीनों चीजें हल्दी, सुरख मिर्च और नमक, ये तीनों चीजें डाल के हम इसको अच्छी तरह हिला के और इसमें प्रेशर देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। जब ये गल जाएगा बाद में हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे और आलू शामिल करेंगे, फिर बताते हैं आपको कैसे आगे करना है। ये हमारा गोश्त अब गल चुका है, इसको हमने प्रेशर से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लिया है। अब हम इसमें ये सारे मसाले शामिल करेंगे, ये हमारे पास सब्ज मिर्च और अदरक का पेस्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास है टमाटर का पेस्ट, ये भी इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है मिक्स मसाला, ये भी इसमें डालेंगे, और अब हम इसमें घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी डाल के इसको अच्छी तरह भुनेंगे, साथ ही आलू शामिल कर देंगे। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए, साथ ही इसके आलू शामिल कर देंगे। आलू शामिल करके तकरीबन 5-10 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर थोड़ा सा इसको पानी लगा देंगे। ये हमने घी डाल के भूनना शुरू कर दिया है, अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे जो हमारे पास ये पहले से हमने पानी में भिगो के रखे हुए ताकि ये काले ना हो जाए, इसलिए हमने इनको पानी में डाला है बिस्मिल्लाह। ये सारे आलू इसमें शामिल कर दिए, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे, भूनने के बाद हम इसको पानी लगाएंगे। ये हमने आलू गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है, आलू तकरीबन गल ही चुके हैं, 1/2 हिस्सा गल ही चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप जितना डालना चाहें वो आप लोगों की मर्जी है, कम या ज्यादा, हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, जैसे ये पानी पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। अगर ये हमारी आलू गोश्त वाली रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखते हैं हमारा टेस्टी सा आलू गोश्त तैयार होगा या नहीं। ये देखें माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा है। इसको हम बर्तन में निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। आज का हमारा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगती है, अच्छी लगे बुरी लगे बताया जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।